इसमें एक ही फैमिली के दो मेंबर्स इटली गए थे, तो वहाँ से जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने उनके दो, क्योंकि इटली और ईरान आज की डेट में काफ़ी इन्फेक्शियस कंट्रीज माने जा रहे हैं, तो उनको हमने हाईली सस्पेक्टेड मानते हुए उसमें 6 मेंबर्स को थोड़े से सिम्टम्स थे, तो सिंपल खांसी जुकाम के, तो उनके सैंपल तो हमने 13 के 13 लिए हैं, लेकिन जो 6 मेंबर्स जो हाईली सस्पेक्टेड थे उनको हमने सफदरजंग भेज दिया है एम्बुलेंस से, और बाकी 7 को हमने उसी घर में क्वारंटाइन करके रखा। हाँ, उन्हीं में थे वो, 2 एडमिट किए थे हमने, उन्हें सफदरजंग भेज दिया। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सफिशियंट सामान है, पीपीई किट है, N95 मास्क हैं, 3-layer, 3-layer मास्क हैं, आइसोलेशन वार्ड हमारा बना हुआ है 10 बेड्स का, मेडिकल कॉलेज में भी आइसोलेशन वार्ड है हमारा, और वेंटिलेटर्स भी हमने इसके लिए अलग से रखे हुए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी होटल में या कोई इस तरह का पेश कोई मिलता है अगर कि दूसरे कंट्रीज से, इन जो सस्पेक्टेड कंट्रीज हैं आज की डेट में 10, वहाँ से अगर कोई केस आता है और उसको अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि हम उनकी जांच कर सकें। बिल्कुल टीम बनाई जा रही है, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अभी मैं जिस तक जिला अस्पताल में भी इसीलिए आया हूँ कि कुछ स्टाफ को ट्रेनिंग दें, और जो सर्वे करेंगे कुछ हमारी टीम जगह जगह जाके, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे, वो CM ऑफिस में चलेगी। गंभीर सा मामला है ना, कोई बात है जी, कोई We were all having. I don't mind. 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 I don